तरफ सदन की कार्यवाही जारी, दूसरी तरफ विधानसभा पर सबकी निगाहें, क्योंकि राज्यसभा के लिए आज नॉमिनेशन होना है और ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी पर भी सबकी निगाहें हैं। नीरज डांगी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव ने। राजस्थान से कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। आज नामांकन का दिन है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार नीरज डांगी। सर, ये बताएं कि आपको उम्मीद थी कि इतना बड़ा मौका आपको पार्टी देगी? देखिए, चूंकि मैं लंबे समय से कांग्रेस में काम कर रहा हूं, यूथ कांग्रेस की बागडोर मैंने संभाली राजस्थान में, और अमूमन ये देखा गया है कि सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, अशोक गहलोत जी ने, सचिन पायलट जी ने युवाओं को हमेशा तरजीह दी है, और ये निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि इतना बड़ा मौका जो है हर एक को नहीं मिलता है। किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ है इसके अंदर, और मुझे लगता है कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो काम करता है उसे निश्चित रूप से आगे आप बढ़ने का मौका मिलता ही है। आपको टिकट देने का श्रेय आप किसको देते हैं, और आपके टिकट देने को लेकर जो कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, विरोध की कोई बात मेरे सामने नहीं आई है, हम सब साथ मिलकर के काम करेंगे। जितने भी नाम चल रहे थे सब बहुत महत्वपूर्ण नाम है अपने आप में, और सबके समायोजन से, सबके सहयोग से ही जो है पार्टी आगे बढ़ती है, हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। शीर्ष नेतृत्व जो है उन सब ने जो मौका दिया मुझे, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, अशोक गहलोत जी ने, अविनाश पांडे जी ने, सचिन पायलट जी ने, इन तमाम नेताओं का, और शीर्ष के तमाम वो नेता जिन्होंने मुझे इस काम के लिए सहयोग दिया। सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी एज ए होल, हर वर्कर को जिन्होंने पार्टी को सींचा है, कांग्रेस को सींचा है, उन तमाम कांग्रेसजनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कांग्रेस आलाकमान का लक्ष्य है कि राज्यसभा में जो नंबर है वो उनके पक्ष में जुटाया जाए, तो ऐसे बतौर सांसद आपकी किस तरह की क्या प्रायोरिटीज रहेंगी, क्या आपकी भूमिका रहेगी? देखिए, सदन में जाने का मौका मुझे मिलता है तो इसमें निश्चित रूप से हम लोग जो है राजस्थान के विकास को प्राथमिकता देते हुए, राजस्थान के विकास की जो भी बात होगी उसको बहुत पुरजोर तरीके से जो है सदन में उठाने का काम करेंगे। सर, मध्य प्रदेश का जो जिस तरह का सियासी संकट चल रहा है और यहाँ पर एकजुटता के लिए कांग्रेस के विधायकों को रखा गया है, तो पूरा जो चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? जिस तरह से जो है सिंधिया, जो है माधवराव सिंधिया पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के चले गए, तो क्या आप समझते हैं? देखिए, पार्टी किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को जब मौका देती है तो उसका राजनीतिक उठाव पार्टी के दिए हुए मौक़ों के हिसाब से ही होता है, और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने पार्टी छोड़ी है उन्हें भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, और वो उस मुकाम पे वो पहुँचे तो पार्टी की देन थी वो। ऐसे मौके पर पार्टी को छोड़ना मैं समझता हूँ उचित नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक उठापटक चल रही है मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी थमेगी, कांग्रेस के पक्ष में माहौल रहेगा और किसी प्रकार का सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। हमारे साथ थे कांग्रेस उम्मीदवार नीरज डांगी। इनका ये कहना है कि बतौर सांसद उनकी जो भी भूमिका होगी जो है राजस्थान के विकास के मुद्दे वो राज्यसभा में उठाएंगे और पार्टी के जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाएंगे। कैमरा पर्सन पवन के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।